नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 13वें मुकाबले की, बंगा बंधु T20 कप की, जो कि खेला जाएगा यहां पर गाजी ग्रुप चट्टोग्राम वर्सेस बेक्सिमको ढाका के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको दोनों टीम्स की प्रॉपर डिटेल बताएंगे, पिच कंडीशन से लेके वेदर रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। दोनों टीम्स में आपके लिए कौन से प्लेयर कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकते हैं और कौन से प्लेयर वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं कर दें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो ऐसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है सब्सक्राइब का, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग ज़रूर ऑल पे कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी मैच की लाइनअप, किसी भी मैच की फाइनल टीम सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल का नेम मिल जाएगा। 1800 से ज़्यादा बंदे ऑलरेडी वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ वेदर रिपोर्ट की। तो यहाँ पर जो वेदर है वो यहाँ पर आपको रेन के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इस मैच में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना आप लोग एक नॉर्मल मैच में करते हैं। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पिच है वो हमेशा बदलती रहती है, कभी बॉलर्स फ्रेंडली होती है तो कभी बैटर फ्रेंडली होती है। एवरेज यहाँ पे 150 स्कोर माना जाता है, और जो भी टीम यहाँ पे डिफेंड करती है वो शायद यहाँ पर ज़्यादा मैचेस जीतती है, और यहाँ पे जो भी टीम बैटिंग पहले करती है उसके थोड़े हारने के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 143 यहाँ पर एक एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर माना जाता है। जो भी टीम यहाँ पर चेस करती है वो 6 बार जीती है और 6 बार हारी है, तो आप जान सकते हैं जो पिच है वो कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बॉलिंग फ्रेंडली और बैटिंग फ्रेंडली बन जाती है। बाकी अब मैं यहाँ पर अगर बात कर लूँ प्लेइंग 11 की, तो गाजी ग्रुप की तरफ से आपको लिंटन दास, सौम्य सरकार, मोहम्मद मिथुन, समोसर रहमान, मोसेदक हुसैन, शियाकत अली, जेवर रहमान, नहदुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, तेजुल इस्लाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं बेक्सिमको ढाका की तरफ से आपको यहाँ पे नईम हसन, मोहम्मद नईम, मुसफिकुर रहीम, तंजीद हसन, तमीम, यासिर अली चौधरी, अकबर अली, मुख्तार अली, नुसम अहमद, रोबिल इस्लाम, रोबी, रूबेल हुसैन, सैफुकल इस्लाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसे टॉप प्लेयर्स की जिनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान का, जो कि बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में दे रहे हैं। इन्होंने 12 विकेट अभी तक निकाले हैं अपने 4 मैचेस में, और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो यहां पर 6.5 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करा रहे हैं। लिंटन दास की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं। अपने 4 गेम्स में इन्होंने 200 से ज़्यादा स्कोर किए हैं, साथ में 250 भी लगाई हैं। 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना पसंद कर रहे हैं। सोम सरकार की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर हैं, और साथ में बहुत ही अच्छे रन स्कोर भी बना रहे हैं टूर्नामेंट में। इन्होंने अभी तक 109 रन बनाए हैं 36 की एवरेज के साथ, तो इनको अपनी टीम में आपको ज़रूर लेना है। अगर मैं बात करूं रहीम की तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, इन्होंने 138 रन बनाए हैं, और अगर एवरेज की बात की जाए तो 34 की एवरेज के साथ ये पॉइंट दिला रहे हैं सभी को ड्रीम 11 पे। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कैप्टन यहां पर बना सकते हैं रहीम को, सौम्य सरकार को, हुसैन को। वाइस कैप्टन आप लोग यहां पर लिंटन दास और रहीम को बना सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो जो मुस्तफिजुर रहमान है वो आपके लिए कैप्टन के लिए एक और अच्छे पॉइंट रहेंगे, क्योंकि ना तो क्योंकि वो आपको विकेट से भी पॉइंट दिलवाएंगे, साथ में वो अपने इकोनॉमी और मेंटेन ओवर्स करा कर भी आपको पॉइंट दिलवा सकते हैं। और अगर आज के मैं विनर की बात करूँ तो मेरे हिसाब से गाजी ग्रुप आज का ये मैच जीतने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को अभी तक पूरा वॉच किया होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा, और आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखने को मिली होंगी। तो इसलिए आगे भी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल की हेड टू हेड टीम प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
यहाँ पर सबसे पहले नाम आते हैं, तीन चार नाम आते हैं यहाँ पर। देखिए वो चारों प्लेयर जो हैं वो अपने लास्ट मैचेस में प्ले किए थे, रहीम, लिंटन दास, मिथुन और यहाँ पर ए अली। तो जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे वो यहाँ पर रहीम रहेंगे और यहाँ पर लिंटन दास रहेंगे, क्योंकि दोनों प्लेयर अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लिंटन दास आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और यहाँ पर रहीम भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं, इसलिए दोनों प्लेयर्स को मैं यहाँ पर पिक करने वाला हूँ। और दोनों प्लेयर्स को आप लोग हेड टू हेड टीम और ग्रांड लीग की टीम में भी प्रेफर कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अनशेक का नाम आता है, वाई अली चौधरी का नाम आता है, उसके बाद यहाँ पर टी हसन का नाम आता है। तो यहाँ से मैं तीन ही बैट्समैन को पिक करूँगा और किसी अदर बैट्समैन को यहाँ पर पिक नहीं करूँगा, क्योंकि आगे हमें ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो तीनों बैट्समैन लिए हैं वो BDH की तरफ से लिए हैं। तो आप लोग एक चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर टी हसन को ड्रॉप करके एस अली को ले लीजिए, ताकि एक आपके लिए एडवांटेज हो सके, क्योंकि बहुत से कम लोग इनको पिक करेंगे। और जो भी आपकी टीम होगी हेड टू हेड में या फिर स्मॉल लीग में, वहाँ पर आपको क्लीन स्वीप कराने में मदद करेगा एस अली, तो इसलिए मैं एस अली को अपनी टीम में ले रहा हूँ। पिछले मैच की अगर मैं बात करूं तो ओनली 2 पॉइंट किए थे, उससे पिछले मैच में 46 पॉइंट किए थे, तो यानी प्लेयर अच्छा है, उसको आप लोग पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम यहाँ पे एस में सरकार का आता है, जो कि कैप्टन के लिए भी बहुत ही बढ़िया चॉइस है। उसके बाद मैं यहाँ पर एम हुसैन को पिक करूंगा, उसके अलावा मैं यहाँ पे एम अली को पिक करने वाला हूँ, और किसी ऑलराउंडर के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा नहीं। यहाँ से जो मेरे पास तीन मेन ऑलराउंडर हैं मैं उन्हीं को अपनी टीम में सेलेक्ट करने वाला हूँ। बॉलिंग सेक्शन में देखिए सबसे पहला नाम यहाँ पे रहमान का था, उसके बाद यहाँ पे आर हुसैन का था, उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ मेहंदी हसन राणा की, तो इस टूर्नामेंट में इनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है और ना ही इन्हें इतने ज़्यादा मैचेस खेलने को मिले हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर तो ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, विकेट्स निकाल के अपनी टीम के लिए दे रहे थे। अभी के लिए यहाँ पर देखिए इस्लाम को मैं अपनी टीम में पिक करूँगा। तो जीरो क्रेडिट में जो हमारी टीम है वो क्रिएट हो चुकी है, बहुत ही कमाल की टीम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। बाकी अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा एक बॉलर ऑप्शन ऐड करना BDH का, तो आप लोग यहाँ पर एमली को ड्रॉप करके एक परफेक्ट जो बॉलिंग अलाउंड मतलब बॉलिंग है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की जॉब है ये टीम क्रिएट कर सकते हैं। अपनी इस टीम में मैं आपको बता देता हूं कैप्टन वाइस कैप्टन में किसे बनाऊंगा। कैप्टन देखिए सो में सरकार से बेटर आपके लिए कोई भी नहीं रहेगा, तो इसलिए कैप्टन तो मैं सो में सरकार को बनाऊंगा। वाइस कैप्टन आप लोग रहमान को बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको विकेट्स भी निकाल के देंगे, साथ में अगर ये मेडन ओवर कराते हैं या फिर इकोनॉमी अच्छी रखते हैं तो उसके भी पॉइंट्स ये आपको दिला सकते हैं, तो इसलिए आप चाहें तो सो में सरकार को कैप्टन बना सकते हैं। वाइस कैप्टन में यहाँ पर लिंटन दास को प्रेफर नहीं करूंगा मैं, वाइस कैप्टन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं चलिए एक चेंज ये करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर रोबेल हुसैन को अगर मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रिस्क यहाँ पर ले सकता हूँ, वो है एस इस्लाम की जगह पर मैं यहाँ पे एम अली को पिक करूँगा और यहाँ पर एम अली को ही मैं वाइस कैप्टन बनाऊँगा। थोड़ा सा मैंने रिस्की कॉम्बिनेशन रखा है, लेकिन ये वो कॉम्बिनेशन है जो क्लीन स्वीप करवा सकता है। जितने भी कॉन्टेस्ट आप लोग इस टीम के साथ ज्वाइन करेंगे सभी में आप क्लीन स्वीप करेंगे। बाकी अगर लाइनअप के बाद मुझे कोई भी अपडेट देनी पड़ी, कोई भी मुझे चेंज करना पड़ा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम के थ्रू दी जाएगी, तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना, तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही लोगों का चैनल है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है इसको भी आप लोग जरूर ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी मैच की लाइनअप, किसी भी मैच की फाइनल टीम सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 1800 से ज़्यादा बंदे ऑलरेडी वहाँ पर ज्वाइन हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा आप लोग ज़रूर हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो भाइयों मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जितने भी फैंटसी मैचेस हो जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो, ऑलवेज आप लोग वहाँ पे विन करते रहें, मैच जीतते रहें। तो भाइयों मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।